नमस्कार सभी दोस्तों को। तो आज आप देख रहे हैं, ये इस बैटरी में भी वही सेम प्रॉब्लम आ रही थी आपकी। 20 किलोमीटर का माइलेज दे रही थी और एकदम से डाउन हो रही थी। मतलब जो आपका मीटर शो करता है इंडिकेटर वाला, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, फिर 30% चार्ज है आपकी बैटरी, ये क्या करती थी बैटरी आपकी एकदम से डाउन मारती थी और 20 किलोमीटर चलती थी मात्र, और पूरा फुल मीटर दिखाएगा आपका और एकदम से कट मार जाएगा। तो इसमें भी वही माइलेज प्रॉब्लम थी और इसमें भी सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, एक सीरीज़ में प्रॉब्लम आ गई थी। ये जो सीरीज़ थी वो हमने अब चेंज कर दिया है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये हमने सेल्स डाले हैं नए, ये देख सकते हैं आप सेल्स हमने डाले हैं। तो इन सबको हमने चेक किया चार्ज और डिस्चार्ज करके। इसको पहले आप बैटरी को पूरा फुल चार्ज कर लीजिएगा और एक एक ये जो एक एक सीरीज़ के आप वोल्टेज चेक कर लीजिएगा पूरी फुल चार्ज करके। सेम वोल्टेज लगभग, अगर सेम वोल्टेज आना चाहिए, वरना आप चार्ज कर लीजिएगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद क्या है आप पूरा फुल डिस्चार्ज कर लीजिएगा। या तो आप एक काम और ऐसा कर सकते हैं कि आप स्कूटी को चला करके जब आपका बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाए तब आप इनके वोल्टेजेस चेक कर लीजिएगा। वोल्टेजेस में आपका अंतर नज़र आएगा, जैसे कि एक एक सीरीज़ का चेक करिएगा, एक एक सीरीज़ का इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, एक एक सीरीज़ आपको वोल्टेज चेक करना है सबका, ठीक है। तो वो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं हमारा, हम कैसे एक एक सीरीज़ से वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। ये हो गया आपका, फिर इसके बाद एक दूसरी सीरीज़ ये, फिर तीसरी ये, फिर चौथी ये, पाँचवीं ये। तो इस तरह आप एक एक सीरीज़ का वोल्टेज चेक कर लीजिए जब पूरी बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई है। वोल्टेज में किसी ना किसी में आपको ज़रूर डिफरेंस पता चलेगा, डिफरेंस होगा उसमें वोल्टेज में, मतलब कि अंतर दिखेगा आपको। और उसका वोल्टेज बहुत ही कम हो गया होगा, या तो 3 वोल्ट हो गया होगा, या तो आपका 3 वोल्ट ही शो करेगा, या तो उससे भी नीचे का शो कर सकता है। तो उस सीरीज़ के सेल्स को आप बदल दीजिए, आपके माइलेज प्रॉब्लम में भी उस सीरीज़ को बदलने के बाद आप एक दो बार चार्ज करके एक बार स्कूटी में 2 से 3 बार लगा कर देख लीजिए, आपकी बैटरी सही हो जाएगी। और अगर फिर ख़राब हो तो फिर आपको दूसरी सीरीज़ को भी बदलना पड़ेगा, जो सीरीज़ में आपको ख़राबी समझ में आए। वोल्टेजेस में अंतर आएगा, उसी वोल्टेजेस को अंतर को आपको देखना है। और अगर आपके पास ये मशीन नहीं है सेल कैपेसिटी टेस्टर, तो आप जैसे मान के चलिए ये हमारी पूरी सीरीज़ ख़राब हुई थी, अब आपके पास सेल कैपेसिटी टेस्टर नहीं है, तो ये पूरी सीरीज़ आप चेंज कर दीजिएगा। ये हमने पूरी सीरीज़ चेंज करी है, हमने 10 के 10 सेल निकाल के वो कर दिया है, 5 इसमें लगा दिया है, 5 दूसरे सीरीज़ में लगा है, तो इस वजह से आपको 5 ही दिखेगा। 5 जो है दूसरी सीरीज़ में हमने लगा दिया था ताकि बैलेंसिंग का बैलेंस रहे। और जैसा कि देख सकते हैं, और ये अब प्रॉपर हमने चार्ज और डिस्चार्ज करके चेक कर लिया है, प्रॉपर फंक्शन कर रही है बैटरी हमारी। तो इस तरह से आप बैटरी को अपनी खुद घर पर रिपेयर कर सकते हैं। बस आपको चाहिए कि आपके पास एक छोटा सा स्पॉट वेल्डर होना चाहिए, आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, और बस बाकी आप बैटरी खुद घर में चेक कर सकते हैं। ये बैटरी हमारी रिपेयर हो गई है, इस वजह से अब हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा नहीं सकते। अगर जैसे आपको पूरा प्रोसेस इसका, इस बैटरी का देखना है, तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, हमने एक एक प्रोसेस करके बताया है। ये आपकी पूरा प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, एक दो बार आप चला कर देख लीजिएगा स्कूटी। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है आपके चार्ज और डिस्चार्ज, हम इससे क्या करते हैं, चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं एक दो बार लगभग बैटरी को, उसके बाद ये पता चल जाता है हमें कि हमारे एक सीरीज़ में प्रॉब्लम थी या कोई और भी सीरीज़ गड़बड़ है। तो इससे क्या है कि हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी बैटरी को आराम से रिपेयर कर सकते हैं, बस आपको केवल स्पॉट वेल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। स्पॉट वेल्डर छोटा सा आप ले सकते हैं, अमेज़न में मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट में पता नहीं मुझे, लेकिन अमेज़न में छोटे से स्पॉट वेल्डर मिल सकता है। ये है कि आप काम चला सकते हैं उससे, छोटे से स्पॉट वेल्डर से, क्योंकि उसमें स्पॉट वेल्डिंग इतनी अच्छी होती नहीं निकल स्ट्रिप की, तो इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी
बाकी हमारी नई बैटरियाँ भी बनती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9598649701 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9335444446। सॉरी, हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9936444540 और तीसरा मोबाइल नंबर है हमारा 9648972870। इस पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास आपको 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी भी मिल जाएगी इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए, आपको 72 वोल्ट की मिल जाएगी, 48 वोल्ट की मिल जाएगी और 60 वोल्ट की भी आपको लिथियम बैटरी मिल जाएगी। हम नई बैटरी पूरी बनाते हैं, एक एक सेल चेक करके लिथियम फॉसिल बैटरी पे हमारा काम रहता है। बाकी रिपेयर के लिए भी आती है हमारे पास बैटरी, तो हम रिपेयर कर देते हैं बैटरियों को। और बाकी जैसे जैसे जो भी आती है मेरे पास बैटरी है रिपेयर के लिए, तो मैं वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, वो भी अपनी बैटरी को वो कर सके। धन्यवाद।